दोस्तों आज की कहानी है, बहू तुम अपने पीरियड्स के कपड़े मेरे बेटे से क्यों धुलवाती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। विकास गाना गुनगुनाता हुआ अपनी बालकनी में बाल्टी भर कपड़े लेकर सूखा रहा था। विकास जैसे ही अपनी पत्नी मानवी की साड़ी तनी पर डालकर फैलाकर उसको सुखाने लगा, सामने के फ्लैट की बालकनी में भी कपड़े सूखा रही। मिसेस गुप्ता ने विकास को साड़ी सुखाते हुए देखकर हंसते हुए कहा, वाह विकास, वाह क्या किस्मत पाई है तुम्हारी बीवी ने। अरे जिसको तुम्हारे जैसा पति मिला, अरे कभी गुप्ता जी ने हमारी साड़ी सुखाना तो दूर, कभी अलमारी से कोई साड़ी निकाल कर पकड़ाई भी नहीं। सच में मानवी बड़ी किस्मत लेकर पैदा हुई है। अरे जब गुप्ता जी को तुम्हारे बारे में बताती हूँ कि कुछ चीजें विकास से सीखो तो सीधा सीधा तुम्हारे लिए बोल देते कि ये काम मर्दों को शोभा नहीं देते। विकास तो जोरू का गुलाम है और अपनी मूसों पर ताव देकर निकल जाते हैं। तुम पर हंसते हुए विकास को मिसेस गुप्ता की कई बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वह मुस्कुराता हुआ अपना काम करके गुनगुनाता हुआ कपड़े सुखा कर नहाने चला गया। विकास जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए जाने लगा, मानवी थोड़ा गुस्सा करते हुए विकास से बोली, विकास मैंने तुमको कितनी बार बोला है तुम ये मेरे काम मत किया करो, मैं सुखा देती ना कपड़े बाद में। अब देखो अब तो पड़ोसी भी तुम पर ताना मारने लगे। मैंने तुमसे कितनी बार बोला मैं जैसे होगा धीरे धीरे अपना काम कर लूँगी खुद से, पर तुम तो सुनते ही नहीं हो। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते होंगे पड़ोसी हमारे बारे में कि इसकी बीवी काम सोरे काम सुहाता नहीं होगा करना, बेसारे पति से ही अपना हर काम कराती है। विकास ने मानवी के दोनों हाथ पकड़े और बोला, अरे मानवी तुमको मना किया है ना है स्ट्रेस लेने के लिए, फिर क्यों तुम इतना गुस्सा हो रही हो। अरे तुम बस अभी 9 महीने सिर्फ आराम करो। अरे आज से पहले तुम अपना काम करती थी ना, पर अभी प्रेगनेंसी में तुमको पता है ना डॉक्टर ने साफ साफ कहा तुम्हें बेड रेस्ट की जरूरत है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता तुम्हारे और बच्चे के लिए। अरे क्या फर्क पड़ता कुछ महीनों के लिए अगर घर के कुछ कामों में मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो इतने दिन तुम काम कर रही थी वो किसी को नजर नहीं आया। अभी कुछ दिनों से मैं क्या काम करने लगा सब नोटिस करने लगे। बस तुम कुछ मत बोलो, मैंने दोनों का नाश्ता भी तैयार कर दिया पोहे बना दिया, अभी मैं ना कर तुम्हारे लिए दूध भी गर्म कर दूंगा। तुम बस आराम करो और कल माँ बाबूजी भी आ जाएंगे, फिर वह तुम्हारा दिन में ध्यान रख लेंगे। और लोगों का काम है बातें बनाना, मैंने लोगों की बातों की परवाह ना आज करी ना कल करूँगा। लोगों की बातों के चक्कर में अपनी बीवी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। विकास ना धोकर ऑफिस के लिए रेडी हो गया और मानवी को पूरी हृदय देकर गया कि उसको दिन भर में कुछ काम नहीं करना सिर्फ रेस्ट करना और अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है। दूसरे दिन विकास के माँ बाबूजी भी गांव से मानवी का ध्यान रखने के लिए आ गए थे। विकास की माँ ना कर जब बाथरूम से बाहर आई तो देखा विकास रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रहा था। विकास की माँ विकास से बोली, अरे विकास बेटा तुम कब से रसोई का काम करने लगे और बहू कहाँ गई अभी तक नहीं भी नहीं किया। अरे इतनी देर तक कौन सोता है, जा उठा दे उसको वो नाश्ता बना देगी सबके लिए। विकास बोला, माँ नाश्ता आपको मेरे हाथ का करना पड़ेगा, आजकल नाश्ता खाना सब मैं ही बना रहा हूँ। मानवी को कुछ चीज़ों से मैं कहती हैं जिससे उसको उल्टी जैसा फील होने लगता है
और वैसे भी डॉक्टर ने उसको प्रेगनेंसी में थोड़ी एहतियात बरतने के लिए कहा। उसके कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, रात को उसको काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, इसलिए सुबह ही वह सो पाती हैं, इसलिए उसको अभी नहीं जगाना है। जब उसकी नींद पूरी होगी वह अपने आप उठ जाएगी। अब जल्दी से नाश्ता करो। नाश्ता तैयार है, मेरे कपड़े भी धुल सूखे, मैं अभी सुखा कर आता हूँ। विकास की माँ अपने बेटे की बातें सुनकर सदबद हो गई और बोली, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे काम कर रहा तू। अरे प्रेग्नेंट मैं भी हुई थी, पर मजा ले, कभी तेरे बाबूजी ने एक कप लोटा पानी का भी मुझे पकड़ाया हो। अरे थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या तुम्हारी इन जनरेशन में? जी जो बीवी प्रेग्नेंट क्या हो जाती, उसके आगे पीछे उसके जोरों के गुलाम बनकर सारे दिन घूमते रहते हैं उनके इशारों में। अरे तुम लोगों के कोई अनोखा बच्चा पैदा हो रहा क्या? अरे तुम्हारी पत्नी सुबह रसोई में जाई और थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता भी नहीं बना सकती क्या? अरे हम लोगों ने तो बच्चा पैदा होने के पहले तक पता नहीं कितने कितने काम किए, पर मजा ले, कभी किसी के सामने उप तक भी की हो। अभी तेरे बाबूजी तुझको बहू के कपड़े सुखाते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? थोड़ी तो शर्म कर, तू तो पूरा का पूरा जोरू का गुलाम बन गया। अब विकास से रहा नहीं गया, वो बोला, माँ आप भी कैसी बातें कर रही हो, हर चीज़ को खुद के टाइम पीरियड से देकर क्यों जोड़ती हैं आप? अरे हर इंसान की शारीरिक संरचना अलग होती है, आपकी कोई दिक्कत नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बहू के भी कोई दिक्कत ना हो। अरे पिछले 3 सालों से पूरा घर वही तो संभाल रही है, मैं तो बस अभी कुछ 2-3 महीनों से, वह भी डॉक्टर ने जब ये कहा कि आपकी पत्नी की प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कत है तो उनको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, आप उनका ख्याल रखिएगा। और माँ जो पति अपनी पत्नी की तकलीफ में उसकी बीमारी में उसका साथ नहीं दे सकता, ख्याल नहीं रखे, मेरे ख्याल से वो मर्द नहीं होता। असली मर्द तो वह होता है जो अपनी बीवी की तकलीफ में हर पल हर घड़ी उसका साथ दे। अगर इसको आप जोरू का गुलाम होना कहती हैं तो बेशक हाँ हूँ मैं जोरू का गुलाम, और फकर है मुझे मेरे जोरू के गुलाम होने पर अपनी बीवी की सात ली हुई 7 वसनों की 7 कसमों को मैं ईमानदारी से निभा रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझको मेरी बीवी की सेहत का ख्याल है, जिसको मेरे रहते हुए किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने दूंगा। मानवी भी जाग चुकी थी, विकास की बातें सुनकर मानवी की आंखें भर आई थी। मानवी मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी विकास जैसा पति देने के लिए, जो उसकी हर तकलीफ में उसके साथ खड़ा था बिना लोगों की परवाह किए। उधर विकास की माँ इस नए बदलाव को समझने के लिए खुद से ही कुछ सवाल पूछ रही थी। अपने दिनों के जिसको याद करके उन्हें लगा कि सच में बेटा कह तो सही रहा, पत्नी की तकलीफ में साथ देने वाला पति जोरू का गुलाम नहीं बल्कि उसका सच्चा हम सफर होता है।